दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनायास खो देने वाली भाजपा अब नगरपालिका अध्यक्ष के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखने में जुटी हुई है। शायद यही वजह है कि जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और संगठन प्रभारी अभिलाष पांडे को आज दमोह आना पड़ा। दमोह में पार्टी नेताओं, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के अलावा पार्षदों के साथ नगरपालिका अध्यक्ष को लेकर श्री राजपूत ने देर तक रायशुमारी की। हालांकि इस रायशुमारी का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। वजह साफ थी कि अध्यक्ष पद के लिए किसी एक पार्षद के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। वही प्रभारी जी ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। देखिए, दमोह आने का एक तो हमारा कारण ये है कि हम यहाँ के प्रभारी हैं, और दूसरा अभी जो तिरंगा का अभियान पूरे राष्ट्र में जो चल रहा है, ये तिरंगा का महोत्सव हमारी आज़ादी के 75वें वर्ष में जो चल रहा है, उसकी मीटिंग भी है, और नगर पंचायत के चुनाव के बारे में भी अभी सभी पार्षदों की राय भी लेना थी। पार्षदों की राय भी ली है। पार्षदों की राय के बाद में यहाँ पार्टी मैंडेट जारी करेगी। मैंडेट जारी होने के बाद हम पूरी ताकत के साथ सबको लेकर चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी कुछ तय हो पाया किसके नाम की मोहर लगाई गई है? देखिए, अभी हमने सबकी राय ली है। हमारे संगठन की तरफ से जो यहाँ जिला के प्रभारी हैं, अभिलाष पांडे जी भी यहाँ हैं, और अब हम लोग जो है ना, सबकी राय लेने के बाद में बीडी शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, और प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने सारी रिपोर्ट भेज दी है, और जहाँ तक कल तक कोशिश हुई कि हमारा मैंडेट जारी हो जाएगा। सर, राजनीतिक घमासान चल रहा है यहाँ पर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर और भाजपा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो भी इस प्रकार का चर्चा में या प्रेस के माध्यम से हमारे पास आया है, ये सब पार्टी संगठन की निगाह में है, और पार्टी संगठन के बड़े नेता ही इस पर निर्णय करेंगे। मैं उस पर भी कोई तरह टिप्पणी नहीं देना चाहता अभी। सर, जिस प्रकार जिला पंचायत चुनाव में पार्टी के साथ भी घात किया गया, उस पर क्या नगरपालिका चुनाव में भी तरह की उम्मीद? नहीं, नगरपालिका में हमारे सारे पार्षद मैंडेट के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी घोषित हो, सही पार्षदों ने कहा है कि जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उसके साथ में हम अपना वोट करेंगे, और पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे।